योगी का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। बोले बोले योगी जी, आई वी ऑल रिस्पेक्ट यू, प्लीज यू फील वी शैल सर्टेनली लुक इन टू दैट। मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मदन पहली बार में 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। छोड़िए सर, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वादा जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था। मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मन पसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापिस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पैदल पैदल चलाया, जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल है, कभी मुख्यमंत्री से पूछेगा उनका दल कौन सा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए हैं।